नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस लेक्चर में हम अप्रैल महीने के जितने भी छत्तीसगढ़ के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं उन सब को आज हम यहां एनालिसिस करने वाले हैं। करेंट अफेयर का जो लेक्चर है बहुत दिनों के बाद आ रहा है और आप लोगों को पता है कि कोरोना की वजह से छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन था और जिस हिसाब से कोरोना का सेकेंड वेव फैला उसमें हमारे ऑफिस में भी कुछ लोग पॉजिटिव आए जिसकी वजह से ऑफिस पूरा क्लोज हो गया था, लॉकडाउन भी लगा हुआ था और हमारा पूरा जो सेटअप है, पूरा जो सिस्टम है रिकॉर्डिंग का, वो सिर्फ ऑफिस में ही है। घर में किसी प्रकार से कोई सुविधा नहीं थी, इस वजह से रिकॉर्डिंग हो नहीं पा रहा था। फिर बीच में ऐसा लगा कि घर से रिकॉर्डिंग करना चाहिए, तो घर में भी ऐसा था कि मैं भी कोरोना पॉजिटिव हो गया तो कुछ दिन रिकवरी में लग गया, उसके बाद कुछ ठीक हुए हालात, तो आपका जो सेशन है, आपका जो लेक्चर है, वो फिर से शुरू हो रहा है। तो लेट तो हम हो चुके हैं लेकिन आपका जो भी पीछे का कंटेंट छूटा है, यानी कि अप्रैल का एक भी लेक्चर नहीं हुआ, मई महीने का भी एक भी लेक्चर नहीं हुआ, तो वो सबको कवर करा लिया जाएगा। और देखिए, अप्रैल और मई के महीने में लॉकडाउन की वजह से कुछ खास कंटेंट भी नहीं है, यानी कि ज़्यादा कंटेंट आया नहीं क्योंकि लॉकडाउन था, सरकारी कार्य भी बहुत हद तक एकदम सीमित मात्रा में हो रहा था, इस वजह से ज़्यादा कंटेंट है नहीं। तो आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपका जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे अप्रैल का हो चाहे मई का हो, वो हम पूरा कवर कर लेंगे। तो आज के इस लेक्चर में अप्रैल महीने के, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको आज कवर कर ले रहे हैं और आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको मई महीने का भी एक साथ पूरा कंटेंट अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा और इसी के साथ में नेशनल करेंट अफेयर को भी इसी तरह से पूरा कवर करा दिया जाएगा। एक बात और, इसका PDF जो है वो भी आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा। कहाँ? टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी पिन किया हुआ रहता है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ रहता है, तो वहां से भी आप टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा, वहां से आपको PDF मिल जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अब से आपका रेगुलर जो है करंट अफेयर आते रहेगा और भगवान अगर साथ दें और अगर कोरोना का वेव कंट्रोल में रहा तो अब किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और हम लोग लगातार जो है बेहतर तरीके से लेक्चर के माध्यम से पढ़ाई करते रहेंगे और भी जो वीडियोज़ हैं वो आपको प्रॉपर टाइम पर मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करें। लेकिन मार्च के महीने में हमने जो आखिरी लेक्चर डिस्कस किया था उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आप देखिए इसको सॉल्व कीजिए, भूलना नहीं है। अगर भूल चुके हो तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से करना। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में रीजनल सिनेमा कैटेगरी में छत्तीसगढ़ में बनी किस फिल्म को अवार्ड प्राप्त हुआ है? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, आंसर आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार की किस महत्वाकांक्षी योजना को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सारे टॉपिक्स को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से है, आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का स्वच्छता एंथम स्वच्छ बने हे छत्तीसगढ़ हा छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जारी किया गया है, इस एंथम में अपनी आवाज दी है, यानी कि इस एंथम को किसने गाया है? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, इस क्वेश्चन का जवाब भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। ठीक, चलिए अब हम अपने एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और जितने भी कैंपेन होते हैं और जितने भी स्कीम्स होते हैं वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लो, इस साल जो आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ वहां भी कुछ कैंपेन से क्वेश्चन पूछे गए, स्कीम से क्वेश्चन पूछे गए, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अच्छे से नोट कीजिएगा। तो जो एक कैंपेन का नाम है वो है रोको आउट टोको। अभी पता है कि किस प्रकार से सेकेंड वेव जो था कोरोना का बहुत तेजी से बढ़ा और ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप मास्क पहनिए प्रॉपर तरीके से, आप अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए, अगर भीड़ में निकल रहे हैं तो डबल मास्क पहनिए। इसके अलावा ये भी था कि जो लोग एलिजिबल हैं जिनका टीकाकरण हो सकता है उन्हें भी जागरूक किया जा रहा है कि आप टीका लगवाइए। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक कैंपेन शुरू किया गया रोको और टोको। रोको का मतलब है कि रोको और उसे टोको कि क्या आपने मास्क सही तरीके से पहना है, क्या आप हाथ को सैनिटाइज करते हैं, या फिर अगर आप एलिजिबल हैं तो टीका लगाया या नहीं।
इन्हीं सबको जागरूक करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रोको और टोको अभियान रायपुर से शुरू किया गया, लेकिन इसे पूरे प्रदेश भर में शुरू किया गया था। और इसका जो उद्देश्य है वो 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने और लोगों में कोविड अनुरूप व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ किया गया है। इस कैंपेन को किसके द्वारा शुरू किया गया, तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है यूनिसेफ, यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स, तथा समाज सेवी संगठन जिसका नाम है समर्थ, इसके द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर किया गया छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के सपोर्ट से। तो याद रखिएगा रोको और टोको अभियान, यहाँ पर आप पर भी ये लागू होता है रोको और टोको अभियान। अगर आप एलिजिबल हो तो रजिस्ट्रेशन कराइए और जाकर वैक्सीन जरूर लगवाओ। किसी भी प्रकार के अफवाहों में मत फंसना, चाहे आप रूरल एरियाज में रहते हो, चाहे आप अर्बन एरियाज में रहते हो, कहीं भी रहते हो, तो कोविड से बचने का जो संजीवनी है अभी आपके पास में वो एकमात्र है वैक्सीन। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो मैं भी आपसे अपील करता हूँ कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी फैमिली को सुरक्षित रखने के लिए आप वैक्सीन जरूर लगाएं। हालांकि अभी छत्तीसगढ़ में केसेस बहुत कम आने लगे हैं, लेकिन फिर भी आप जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहने और मास्क प्रॉपर तरीके से पहने, क्योंकि भगवान न करे आपको अगर कोविड हो जाए, और जिनके घर में कोविड हुआ है और जो भुगते हैं जिन लोगों पर, तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह का किसी के साथ भी हो या फिर किसी के साथ भी हो। तो आप अपना प्रॉपर ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और जब भी निकले घर से मास्क जरूर पहनना, मास्क प्रॉपर तरीके से पहनना, हाथ को सैनिटाइज करते रहिएगा। चलिए अगला जो टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2021। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है इसलिए क्योंकि इसी वर्ष इसे शुरू किया गया है, यानी कि 2021 में ही इस पुरस्कार को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो ना सिर्फ ये स्टेट लेवल पे पुरस्कार दिया जाएगा बल्कि पूरे नेशनल लेवल पे भी अवार्ड दिया जाएगा इस पुरस्कार के तहत में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि छत्तीसगढ़ और भारत के अन्य हिस्सों से महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में देश और राज्य स्तर पर उनके उल्लेखनीय और अग्रणी योगदान के लिए, यानी कि अलग अलग सेक्टर में जो भी बेहतर परफॉर्मेंस करता है, खासकर महिलाओं के लिए इस अवार्ड को शुरू किया गया। इस पुरस्कार की जो घोषणा है वो कब किया गया, याद रखिएगा, यहाँ से पूछा जा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इस पुरस्कार की घोषणा कर दी गई थी। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताइएगा। हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस पुरस्कार को जो है भीमराव अम्बेडकर जयंती यानी कि 14 अप्रैल 2021 को वर्चुअली माध्यम से जो है वो प्रदान किया गया अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग लोगों को। कैटेगरी कौन कौन सा है, तो इसमें कानून है, शिक्षा है, साहित्य, इतिहास, संगीत, व्यवसाय, खेलकूद और इस तरह से सामाजिक कार्य में लगे हुए लोग जो बहुत अच्छा काम करते हैं उनका चयन किया गया और उन्हें पुरस्कृत किया गया। तो आप यहाँ पर छत्तीसगढ़ से किने किने पुरस्कार प्राप्त हुआ है और कौन कौन से क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त हुआ है, 7 लोग हैं, 7ों का नाम इस प्रकार से दिया हुआ है। सबका नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, PDF से वहाँ पर अच्छे से पढ़कर नोट्स बना सकते हो। जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है आप ये याद रखिएगा, दूती चंद बहुत ही बड़ा नाम है राष्ट्रीय स्तर पर खेल के रूप में, और यह एक धाविका है और कहाँ से आती हैं, असम से आती हैं। तो एक राष्ट्रीय स्तर पर दूती चंद का नाम आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और अन्य राज्यों से जिन्हें जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इसमें भी टोटल 7 लोग हैं, इन 7ों का नाम भी आप अच्छे से याद रखिएगा। तो टोटल छत्तीसगढ़ द्वारा शुरू किया गया वीरनी पुरस्कार जो कि पहली बार शुरू किया गया है 2021, इसका पहला संस्करण है, इसमें कुल कितने लोगों को पुरस्कार दिया गया है, 14 लोगों को दिया गया है। कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो क्षेत्र का नाम मैं पीछे बता चुका हूँ, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अगला जो हमारा टॉपिक है, छत्तीसगढ़ के पंचायतों को 12 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष आप देखोगे 2020 में भी छत्तीसगढ़ को जो है वो 12 पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगर हम 2019 की बात करें तो छत्तीसगढ़ को 11 पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जिसमें कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है ई पंचायत पुरस्कार से संबंधित। तो ई पंचायत पुरस्कार आप देखोगे तो 2-3 साल PSC भी पूछ चुका है। तो इसी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के तहत ई पंचायत पुरस्कार भी दिया जाता है, जो कई बार आप परीक्षा में देख भी चुके हो। इस बार भी हम डिस्कस करते हैं कि 2021 में जो पंचायतों का पुरस्कार दिया गया है उसमें ई पंचायत के तहत छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है। तो याद रखिएगा टोटल कितने पुरस्कार प्राप्त हुए,
आपका यहाँ पर 12 पुरस्कार प्राप्त हुआ और प्रदेश का ICT के इस्तेमाल बेहतर इस्तेमाल और प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ का चयन ई पंचायत पुरस्कार के लिए किया गया है। तो यहाँ पर ICT का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा। इसमें बेहतर प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ का चयन जो है ई पंचायत पुरस्कार के लिए किया गया है। इसमें भी राष्ट्रीय स्तर पर ई पंचायत पुरस्कार देने के लिए भी 3 अलग अलग कैटेगरी होते हैं। तो छत्तीसगढ़ को प्रथम कैटेगरी में असम के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। 2021 में जो ई पंचायत पुरस्कार छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है उसमें असम के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान पर रखा गया है, यानी कि असम भी दूसरे स्थान पर और छत्तीसगढ़ भी दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा पंचायत पुरस्कार में और कौन कौन से कैटेगरी में पुरस्कार दिया जाता है, ई पंचायत पुरस्कार हो गया। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, इसमें जिला पंचायत के लिए अलग से होता है, जनपद पंचायत के लिए अलग से होता है और ग्राम पंचायत के लिए अलग से होता है। तो दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार में जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के लिए, मैंने तीनों आपको सुविधा हो इसलिए इन तीनों को जो है अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो इसे बेहतर तरीके से आप PDF से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर सारे पंचायतों का नाम याद लिखा हुआ है, जैसे जिला पंचायत है तो कोंडागांव जिला पंचायत को मिला है दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार, ठीक है, बाकी सब याद रख लीजिएगा, खास उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खासकर जिला पंचायत जो है वो याद रखिएगा। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार भी दिया जाता है। तो कौन से जिले को दिया गया है, तो बीजापुर जिला है, भोपालपट्टनम विकासखंड है और इसके अंतर्गत गोटेगुड़ा ग्राम पंचायत को खासकर इसे मिला है, गोटेगुड़ा ग्राम पंचायत। ये पूछा जाए कि कौन से विकासखंड में आता है, तो भोपालपट्टनम, और कौन से जिले में आता है, तो बीजापुर। कौन सा पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। इसके बाद बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार कौन से जिला को मिला है, तो रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड के नवा गांव को मिला है। और ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार आरन विकासखंड के बैहार गांव को मिला है, ठीक है। तो इस तरह से टोटल जो 12 राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं ग्राम पंचायत के क्षेत्र में, ग्राम पंचायत के क्षेत्र में, इसे आपको याद रखना होगा। खासकर ई पंचायत पुरस्कार आपको याद रखना है, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ को। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन के उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, कर्नाटक को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन जो है ये आयुष्मान भारत योजना के तहत एक सेंटर एस्टैब्लिश किया गया है, हेल्थ वेलनेस सेंटर, और इस सेंटर के माध्यम से वहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएँ दी जाती है, कौन से स्वास्थ्य के लिए कौन सी सुविधाएं दी जानी चाहिए, किस प्रकार के उनको सुविधाएं दी जानी चाहिए। तो इसलिए आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को इस्टैब्लिश किया गया है पूरे देश भर में अलग अलग क्षेत्र में। तो इस सेंटर को अपग्रेड करने के लिए छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ वेलनेस सेंटर जो है वो इस्टैब्लिश किया गया है और छत्तीसगढ़ ने लक्ष्य से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों को, यानी कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, जनपद पंचायत लेवल पे होते हैं, ग्राम पंचायत लेवल पे होते हैं, जिला पंचायत लेवल पे होते हैं स्वास्थ्य केंद्र, तो इन केंद्रों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एस्टैब्लिश किया जाना था आयुष्मान भारत स्कीम के तहत, यानी कि आयुष्मान भारत के तहत। तो छत्तीसगढ़ को जितना टारगेट दिया गया था इस सेंटर को एस्टैब्लिश करने के लिए, इस एप्लीकेशन से लिंक करने के लिए, उससे ज़्यादा छत्तीसगढ़ ने ये किया है, यानी कि टारगेट से ज़्यादा, इसीलिए छत्तीसगढ़ को तीसरे स्थान पर रखा गया है। और 14 अप्रैल 2021 को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तृतीय स्थापना दिवस पर, यानी कि इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 2019 में किया गया था। तो 19-20-21 तृतीय स्थापना दिवस पर जो है राज्य को भारत सरकार की ओर से पुरस्कृत किया गया है वर्चुअल माध्यम से, ठीक। चलिए अगला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स के लिए मस्ट है। छत्तीसगढ़ में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं और वन डे एग्जाम होते हैं वहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन है ये, ये है दीपक तिवारी और शॉर्ट में इन्हें, यानी कि उर्फ में अब विराट भी कह सकते हो, इनका हाल ही में निधन हो गया। अगर हम ये देखें कहाँ के रहने वाले हैं, तो छत्तीसगढ़ में मूल जो इनका निवास है वो है बिलासपुर, लेकिन राजनांदगांव को ये अपना कर्म क्षेत्र इन्होंने बनाया और यहीं से इन्होंने सारा जो भी कहानी का नाटक था यहीं से इन्होंने एक्ट किया। तो इसका जो कर्म क्षेत्र है इनका वो है राजनांदगांव, लेकिन मूलतः निवास है बिलासपुर के। 1980 और 90 के दशक में जब हबीब तनवीर का नया थिएटर बना था, उसका नया स्वरूप बना था, तो उस थिएटर के हिस्सा रह चुके हैं कौन, आपके दीपक तिवारी। और इनके अगर हम कुछ नाटकों में किरदार को देखें तो ये किरदार
इन नाटकों के नाम आप याद रखिएगा, पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग में भी पूछा गया है हाल फिलहाल में। तो ये जो इनके नाटक के नाम है, कौन कौन से नाटक में इन्होंने किरदार निभाया है याद रखिएगा, कौन कौन सा है, चरणदास चोर, लाल सोहरत राय, मिट्टी की गाड़ी, आगरा बाजार, कामदेव का अपना बसंत, ऋतु का सपना, देख रहे हैं नैन, लाहौर नहीं देखा और हिरमा की अमर। इस तरह की कहानी में इन्होंने किरदार निभाया है। तो एक कहानी का नाम अगर हो सके तो आप याद रखिएगा। और वर्ष 2017 में हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो इस बात को याद रखिएगा। अगला जो टॉपिक है ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, कल्याण सेन का निधन हो गया है। कौन है कल्याण सेन? तो छत्तीसगढ़ के एक विख्यात संगीतकार हैं कल्याणकांत, जिन्हें की दादा के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो निधन है 7 अप्रैल 2021 को कोविड-19 की वजह से हो गया। और कल्याण सेन का जन्म कब हुआ था? 18 मई 1957 को रायपुर में हुआ था। यह एक संगीतकार के साथ साथ जो है एक तबला वादक भी थे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक में आपका ये हो जाता है, भारत रत्न मशहूर संगीत मशहूर गायिका नाम है लता मंगेशकर, जिन्होंने एक छत्तीसगढ़ी भी गाना गाया था। और इन्होंने एक ही छत्तीसगढ़ी गीत गाया था जिसका जो शीर्षक था वो छूट जाही अंगना दुआरी। और इसका जो निर्देशन किया था लता मंगेशकर, एक ही छत्तीसगढ़ी गाना गाई जिसका नाम था छत्तीसगढ़ गीत छूट जाही अंगना दुआरी। और इस गाने का जो निर्देशन है वो कल्याण सेन द्वारा ही किया गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अगर प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपसे इस पैरा से क्वेश्चन पूछा जाए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अगला जो हमारा टॉपिक है, छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फॉल्सिन पार्क। तो छत्तीसगढ़ का पहला जो समुद्री फॉल्सिन पार्क है वो कहाँ है? तो वो स्थित है आपका कोरिया जिले के महेंद्रगढ़ शहर में, छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फॉल्सिस पार्क। अब यहाँ पर ये समझिएगा कि समुद्री फॉल्सिस पार्क का मतलब क्या है। तो फॉल्सिस का मतलब होता है कि करोड़ों वर्ष पहले जब आप देखोगे प्रकृति का स्ट्रक्चर कुछ और था, यानी कि उसकी बनावट कुछ और थी, हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में भी समुद्र है। तो जब उसका खोज चलता है तो खोज इस प्रकार से रहता है कि पत्थरों के नीचे हो सकते हैं जानवर दब जाते हैं और बहुत सारे अपघटन होते हैं, प्रकृति में बहुत सारे बदलाव होते हैं, तो वो जो है किसी जीवाश्म का रूप ले लेता है। तो एक प्रकार का ये पत्थर देख रहे हो और इस पत्थर में आप देखोगे तो एक मछली की आकृति है। ऐसा लग रहा है कि करोड़ों वर्ष पहले यहाँ पर एक मछली दबी और किसी समुद्री या किसी प्रकार से प्राकृतिक चेंजेस हुआ और ये मछली का आकार एक आज पत्थर ले चुका है करोड़ों वर्ष पहले। तो ये एक फॉल्सिन कहलाता है, अगर सरल शब्दों में आपको कहूँ तो। तो समुद्री फॉल्सिन पार्क छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा फॉल्सिन पार्क है, ये याद रखिएगा, यानी कि एकमात्र फॉल्सिन पार्क है जहाँ की कोरिया जिले के महेंद्रगढ़ शहर में स्थित है। अब राष्ट्रीय स्तर पर इसे पहचान दिलाने के लिए मांग रखी गई है हाल ही में। और यह फॉल्सिस पार्क महेंद्रगढ़ के हसदेव और हसिया नदी के संगम पर करीब 1 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इस क्षेत्र में बाइवाल्व यानी मोलस्का, यूरिडेशमा और एविक्यूलोपेक्टेन आदि समुद्री जीवों के यहाँ पर जीवाश्म जो है वो मौजूद है। और हाल ही में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि प्रदेश के पहले फॉल्सिन पार्क में 25 करोड़ साल पुराने समुद्री फॉल्सिन के समृद्ध संग्रह की खोज की गई है। कैसे संग्रह की खोज की गई है? इसी प्रकार से वहां पर जीवाश्म पाया गया है, इससे अंदाजा ये लगाया गया है कि बहुत साल पहले यहां पर समुद्र की गहराई हुआ करती थी और धीरे 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 समुद्र पीछे की ओर घटती खिसकती गई और वहां पर के जो जीव जंतु थे वहीं पर पत्थर के नीचे दब गए, जिसमें बाद में अलग आकृति ले लिया इस प्रकार से। तो 25 करोड़ साल पहले जो है यहाँ पर एक फॉल्सिन जो समृद्ध संग्रह है की खोज की गई है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रीलिम्स के लिए। चलिए अगला जो टॉपिक है, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में छत्तीसगढ़ को देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया गया है। सबसे पहले समझ लीजिए कि इंस्पायर अवार्ड मानक योजना है क्या। तो इसमें बच्चों का चयन किया जाता है और बच्चों का चयन करके उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। बच्चों का चयन किस लिए किया जाता है? तो पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में इनोवेशन के क्षेत्र में बच्चों से मॉडल मंगाए जाते हैं कि किस प्रकार से बच्चों में इनोवेशन के आइडियाज़ हैं और इन मॉडल के आधार पर उन बच्चों का चयन किया जाता है। उसके बाद ये इस योजना के तहत मानक अवार्ड दिया जाता है, यानी कि स्टैंडर्ड अवार्ड दिया जाता है। कहने का मतलब है इसका उद्देश्य ये है कि बच्चों में इनोवेशन के प्रति जागरूक करना इसका उद्देश्य है। मंत्रालय कौन सा है?
तो भारत सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस योजना, यह योजना जो है इसी मंत्रालय के अंतर्गत आता है और छत्तीसगढ़ को इस योजना के तहत पूरे देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इनोवेशन हेतु भेजे गए कुल जो आवेदन था छत्तीसगढ़ से 55,565 था, जिसमें से 3,091 जो बच्चों के इनोवेशंस थे या फिर जो उनके थॉट्स थे उसका चयन किया गया है मानक अवार्ड के लिए। क्लियर है? इससे रिलेटेड कुछ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। खासकर 10 से 15 वर्ष की उम्र के बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है। कक्षा 6वीं से 10वीं में जो बच्चे पढ़ते रहते हैं वो इसके लिए नामांकन कर सकते हैं। ठीक, चलिए याद रखिएगा छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है आपका एस्मा से रिलेटेड। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था पिछले साल जब कोविड का जो फर्स्ट वेव आया था उसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने एस्मा लागू किया था। एस्मा एक्ट क्या होता है, ये कब लागू किया गया, कौन से एक्ट के तहत किया गया, किस वर्ष किया गया, पूरा ब्रीफ में एनालिसिस किया हुआ है। तो अभी जो कंटेंट है वो मैं पढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन अगर इस एक्ट का ब्रीफ में आप पढ़ना चाहते हो, मेंस में आंसर राइटिंग करना चाहते हो, बेहतर तरीके से वैल्यूएशन करना चाहते हो, तो उस वीडियो का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसे आप देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, आवश्यक सेवा संधारण कानून यानी कि एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट एस्मा जो कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में लागू किया गया कोविड-19 के कारण, इसका यह कानून जो है स्वास्थ्य, स्वच्छता, बिजली, जल आपूर्ति और सुरक्षा सेवा में लगे कर्मचारियों पर लागू किया गया है। एस्मा एक्ट लागू करने का मतलब ये होता है कि अगर किसी राज्य में या किसी क्षेत्र में एस्मा एक्ट लागू किया जाता है और कौन कौन से कैटेगरी को यानी कि कौन कौन से सेक्टर को उसमें शामिल किया गया, जैसे छत्तीसगढ़ में कानून स्वास्थ्य, स्वच्छता, बिजली और जल आपूर्ति को एस्मा में शामिल किया गया है, तो इस क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं किसी प्रकार से कोई हड़ताल नहीं कर सकते, किसी प्रकार से कोई और आंदोलन नहीं कर सकते। अगर ये ऐसा करते हैं तो दंडनीय अपराध होगा और इन्हें सजा दिया जा सकता है एस्मा एक्ट के तहत में। तो खासकर हड़ताल को रोकने के लिए एस्मा एक्ट को लागू किया जाता है ताकि ये जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो न रुक सके, लोगों को परेशानी ना हो सके। तो आप समझ गए कि कोविड-19 की वजह से इन सेक्टर्स को एसेंशियल सर्विसेज में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा क्यों दिया गया है। और जब भी किसी देश क्षेत्र देश में या फिर राज्य में एस्मा एक्ट को लागू किया जाता है तो उसकी अवधि जो होती है वो 6 महीने की होती है। 6 महीने बाद एस्मा एक्ट अपने आप हट जाता है, हाँ, लेकिन सरकार चाहे तो उसे फिर से लागू कर सकती है। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। अगला जो हमारा टॉपिक है मनरेगा से रिलेटेड है। मनरेगा में छत्तीसगढ़ सरकार ने 107% रोजगार के साथ पहले स्थान पर रहा है। कौन सा फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर है 2021। दूसरे स्थान पे कौन सा है, तो दूसरे स्थान पे है आपका वेस्ट बंगाल और तीसरे स्थान पे है आपका बिहार और पहले स्थान पे है सबसे अधिक लोगों को रोजगार देने के मामले में मनरेगा के तहत 2020 और 21 फाइनेंशियल ईयर में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे है, यानी कि लक्ष्य से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इसके तहत राज्य वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15 करोड़ मानव दिवस रोजगार जो है छत्तीसगढ़ में सृजन किया गया है। ठीक, याद रखिएगा इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख लीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 107% रोजगार के साथ पहले स्थान पे छत्तीसगढ़ है, 105% के साथ पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पे, और वहीं रोजगार देने में असम और बिहार 104% के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पे हैं। अगर छत्तीसगढ़ में अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखोगे ये आपका काम आएगा, अगर मेंस में वैल्यू एडिशन करना चाहते हो तो बिलासपुर सबसे ज्यादा रोजगार सृजित करने वाला जिला है जिसमें 131% पहले स्थान पे है, और जबकि गोरेला पेंड्रा मारवाही 125% के साथ दूसरे स्थान पे और कांकेर 119% के साथ तीसरे स्थान पे। मनरेगा क्या है, तो मनरेगा एक ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना है। हालांकि ये एक योजना है लेकिन गारंटीड योजना है, इसे एक एक्ट के तहत बनाया गया और वो एक्ट कौन सा है, तो 2005 का एक एक्ट है, इसी के तहत मनरेगा को शुरू किया गया। और 2005 में जब इस स्कीम को शुरू किया गया था तो इसका नाम था नरेगा, और 2010 में जो है इसका नाम हुआ मनरेगा। ठीक, और इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों का रोजगार का गारंटी दिया जाता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। अगला जो है राजीव गांधी न्याय योजना से संबंधित है, किसान न्याय योजना से संबंधित है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले जो यानी कि अगर फाइनेंशियल ईयर आप देखोगे 2021, इसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना के साथ में छत्तीसगढ़ में जो किसान है वो सिर्फ एक फसल को इस योजना में शामिल किया गया था, धान को। हालांकि दो और फसल गन्ना और मक्का को भी शामिल किया गया था, लेकिन सिर्फ
धान के किसानों को जो है इस मतलब इस स्कीम के तहत जो भी इंसेंटिव दिया गया या फिर जो भी बोनस दिया गया इस स्कीम के तहत सिर्फ धान के किसानों को दिया गया। और अब जो है 13 अन्य फसलों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, यानी कि अब इन फसलों के किसानों को भी जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत में बोनस या इंसेंटिव जो भी दिया जाए वो दिया जाएगा। कौन कौन से अन्य फसल है? मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली है, तिल है, अरहर है, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो कुटकी और रागी और गन्ना। हालांकि गन्ना और मक्का पहले से ही मेंशन था, लेकिन इस पर अभी तक किसी प्रकार से नहीं दिया गया था। कहा गया था कि अगले फाइनेंशियल ईयर में जोड़ेंगे, लेकिन 11 अन्य फसलों को भी ऐड किया गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। पिछले 2-3 एग्जाम जो छत्तीसगढ़ में कंडक्ट हुआ वहां से क्वेश्चन भी पूछा गया है। शुरुआत कब हुआ? तो 21 मई 2020 को राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर शुरू किया गया पूर्व प्रधानमंत्री, और इसका उद्देश्य फसलों के उत्पाद एवं उत्पादकता में वृद्धि करना है छत्तीसगढ़ सरकार का। और 2020 और 21 के फाइनेंशियल ईयर में इसका जो बजट है वो है आपका 5,627.89 करोड़, यानी कि 4 किस्तों में धान के किसानों को इतनी रकम दी गई है। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में इतने पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। तो ये लगभग 11 से 12 टॉपिक जो थे आपका अप्रैल का जितना जो महीना था उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अप्रैल के महीने में एक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे हिसाब से नहीं छूटा है, लेकिन फिर भी मैं एक आध बार देख लूंगा, अगर कुछ होगा तो जो मई महीने वाला हम एनालिसिस करेंगे उसमें मैं ऐड कर दूंगा। लेकिन भरोसा रखिएगा एक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अब आपके करंट अफेयर्स नहीं आते, ये वो, मतलब बहुत सारी बातें, बहुत सारी निगेटिव बातें, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। हालात कुछ ऐसे बने थे कि जिसकी वजह से हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाए या फिर कंटिन्यू नहीं कर पाए आप कह सकते हो। तो हालात आगे अच्छे हों, हालात आगे सामान्य हों, मेरी यही कामना है। आप लोग स्वस्थ रहें, घर पर रहें, बेहतर तरीके से पढ़ाई करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही बाहर निकले। घर से भी अच्छे से पढ़ा जा सकता है, ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है, तो आप लोग जितना ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि घर में रहकर पढ़ाई कीजिए। खुद का और अपनों का ख्याल अभी ऐसे वक्त पे तो ज़रूर रखें। हाँ, और अगर कोरोना काल में देखोगे तो हर तरफ निगेटिविटी है, हर तरफ, हर इंसान को इसने प्रभावित किया है, चाहे डायरेक्ट प्रभावित किया हो चाहे इनडायरेक्ट प्रभावित किया हो, लेकिन प्रभावित ज़रूर किया हो। लेकिन कोरोना की वजह से बहुत सारे इंसानों, बहुत सारे क्या, लगभग सभी इंसान में अगर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आया है। कुछ अच्छी चीज़ें भी आई हैं, डर से ही अगर अच्छी चीज़ें आई हैं, लेकिन आई हैं। टाइम से खाना, टाइम से सोना, टाइम से उठना, एक्सरसाइज करना, योगा करना। अगर आप बाहर अपनी कॉलोनी में देख लो तो पहले जो लोग एक्सरसाइज के नाम से भागते थे या कभी उनको रोड पर देखते नहीं होंगे या टहलते नहीं देखते होंगे, आजकल देखोगे कि हर कोई टहल रहा है, हर कोई योगा कर रहा है, तो एक अच्छी चीज़ आई है। अगर आप में भी ये बदलाव आया है, आप भी एक्सरसाइज कर रहे हो, सुबह जल्दी उठ रहे हो, रूटीन फॉलो कर रहे हो, अच्छा डाइट ले रहे हो, तो इस आदत को छोड़िएगा मत। ये एक अच्छी आदत है, इसे पकड़ के रखिएगा, आगे बहुत काम आएगा। तो इस तरह से पढ़ाई करते रहिएगा, घर से बाहर बिना मास्क के मत निकलिएगा, ठीक। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मई महीने का, उसके बाद नेशनल करंट अफेयर भी कर लेंगे मंथली वाइज में, फिर हम जून वाला जो हमारा है वो वीकली कर लेंगे, क्लियर है। चलिए, तो आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।